Good morning, friends. May Dr. V.K. Mishra from Gastro Labor Hospital, Swarupnagar, Kanpur. At the outset, a request. इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके. आज मैं गॉल ब्लैडर के पेन की डायग्नोसिस के बारे में बात करूंगा. आप जानते हैं कि जो नॉर्दर्न इंडिया है उसमें गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है. आज मैं उनकी डायग्नोसिस के और उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करूंगा. नाउ जहां तक डायग्नोसिस का सवाल है, हमारे पास चार आयाम हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है. नंबर वन इज द मेडिकल हिस्ट्री, नंबर सेकंड इज द फिजिकल एग्जामिनेशन, नंबर थर्ड इज द ब्लड टेस्ट एंड द फोर्थ वन इज द इमेजिंग. जो हम मेडिकल एग्जामिनेशन या मेडिकल हिस्ट्री आपकी लेते हैं, उसमें हम कुछ चीजों को जानना चाहते हैं आपसे. हम क्या जानना चाहते हैं कि ये जो पेन है ये वास्तव में अचानक कैसे शुरू हुआ. हम जानना चाहते हैं कि यह कब शुरू हुआ, यह दिन में शुरू हुआ कि रात में शुरू हुआ. यह रात में शुरू हुआ तो 12 बजे के पहले चालू हुआ या 12 बजे के बाद चालू हुआ. हम यह जानना चाहते हैं कि आपकी जब नींद लग चुकी थी उसके बाद चालू हुआ या आप जागे हुए थे उसी समय चालू हुआ. हम यह भी जानना चाहते हैं कि आपके जो लास्ट मील था या रात का खाना था उससे इसका क्या रिलेशनशिप है. हम यह भी जानना चाहते हैं. हम यह भी जानना चाहते हैं कि रात में आपने जो खाना खाया उसमें क्या खाया, यह सिंपल मील था, ये हेवी ऑयली मटेरियल था या बहुत लार्ज वॉल्यूम मिलता जो आपने अल्कोहल के बाद दिया. इसके बाद हम ये जानना चाहते हैं कि जो दर्द यहां से शुरू हुआ ये कहां तक रेडिएट हुआ, क्या ये पीछे गया, क्या ये इस कंधे में गया या यहां से कहीं रेडिएट हुआ, और इसके एसोसिएटेड जो सिम्टम्स हैं, नौशिया है, वॉमिटिंग है, फीवर है, इन सब के बारे में हम मेडिकल हिस्ट्री में आपसे जानकारी लेंगे. इसके अलावा हम ये देखेंगे कि आपका सेक्स क्या है, आप मेल हैं कि फीमेल हैं. हम देखेंगे कि आप ओवरवेट हैं, नॉर्मल वेट हैं या अंडरवेट हैं. हम पास्ट हिस्ट्री आपके जानना चाहेंगे, क्या इस तरह का पेन पहले भी आपको कभी हुआ. हम आपकी फैमिली हिस्ट्री लेने की कोशिश करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी मदर को भी गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम थी या गॉल ब्लैडर स्टोन था, या फैमिली हिस्ट्री में आपको गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम तो नहीं है. नाउ जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो हमारा फोकस हमेशा राइट साइड इस एरिया में होगा. हम लोकल एग्जामिनेशन करके देखेंगे कि स्किन में कोई चेंज तो नहीं है, यहां पर कोई स्वेलिंग तो नहीं है, या हाथ लगाने से कहीं कोई टेंडरनेस, गार्डिंग या रिजिडिटी तो नहीं है. हम मर्फीज साइन को एलिसिट करने की कोशिश करेंगे. जो फोटोग्राफ में आपको दिखाई दे रहा है ये वास्तव में मर्फीज साइन है. जब आप लंबी सांस लेते हैं तो गॉल ब्लैडर थोड़ा सा नीचे पुश हो जाता है, उसको हम अचानक से प्रेस करके देखेंगे. अगर आपने लंबी सांस ली और मैंने प्रेस किया तो आपको अचानक से दर्द आएगा, एंड दिस इंडिकेट्स दिस थिंग कि आपका जो मर्फीज साइन है वो पॉजिटिव है. हम आपके कुछ ब्लड टेस्ट कराना चाहेंगे. जो ब्लड टेस्ट हम कराएंगे वास्तव में आपके काउंट्स देखेंगे कि कहीं कोई इंफेक्शन तो नहीं है, जैसे सीबीसी कहते हैं इसे. हम आपका लिवर फंक्शन टेस्ट देखेंगे कि कहीं आपको जॉन्डिस तो नहीं डेवलप हो गई है. हम आपके किडनी फंक्शन टेस्ट देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंफेक्शन इतना सीवियर है कि किडनी इन्वॉल्व हो गई है. हम आपके अमाइलेज और लाइपेज करा के देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम के चलते आपको पेनक्रियाज में प्रॉब्लम हो गई है, या वास्तव में ये जो दर्द है ये पेनक्रियाज से ही आ रहा है. हम आपकी इमेजिंग की तरफ जाएंगे. जब इमेजिंग की तरफ हम जाएंगे तो सबसे पहला जो काम है इज द अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड इज द बेस इन्वेस्टिगेशन. अल्ट्रासाउंड की अवेलेबिलिटी छोटी छोटी जगह पर है. एंड जहां तक गॉल ब्लैडर पैथोलॉजी का सवाल है, साइंस ऐसा मानती है कि अगर स्टोन को पिकअप करना है देन पॉसिबली अल्ट्रासाउंड इज द बेस्ट मोडेलिटी जो स्टोन को पिकअप कर सकती है. अगर कोई कंफ्यूजन है कि गॉल ब्लैडर की दीवार में कोई थिकनेस ज्यादा है या कोई कैंसर जैसी चीज डाउट में है या और कोई भी चीज डाउट में है, तो एक सीटी स्कैन कराया जा सकता है. अगर आपको गॉल ब्लैडर के अलावा आपको जॉन्डिस भी डेवलप हो गई है और हमें यह डाउट है कि आपकी बाइल डक्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी हो रही है, तो आपका एमआरसीपी कराया जा सकता है. अगर एमआरसीपी होगी तो वास्तव में आपकी जो बाइल डक्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगी कि इसमें कहीं कोई ब्लॉक तो नहीं है, इसमें कहीं स्टोन तो नहीं है, इसमें कहीं कोई रुकावट तो नहीं है. अगर हमें बाइल के फ्लो को देखना है तो हम हीडा स्कैन करा सकते हैं कि बाइल का फ्लो प्रॉपर है या बाइल का फ्लो प्रॉपर नहीं है. अगर हम इस तरह का सस्पिशन है कि जो दर्द आपको हो रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है आपको पेप्टिक अल्सर, ड्यूरल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर या उस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो वास्तव में एक अपर जीआई एंडोस्कोपी के लिए आपको कहा जा सकता है. नाउ प्रॉब्लम यह है कि जो गॉल ब्लैडर की जो जितने भी पेन है वो बहुत सारी दूसरी चीजों से कंफ्यूज होते हैं. तो जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, जो दूसरी चीजें कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, उन पर आपको एक बार नजर डालने की जरूरत है. कुछ लिवर की प्रॉब्लम्स हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं. लिवर की वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? अगर आपको जॉन्डिस का अटैक आने वाला है तो दर्द आएगा.
अगर आपको लीवर में फोड़ा आ गया है तो आपको दर्द आएगा। कभी कभी लीवर कैंसर अगर डेवलप हो जाए तो वास्तव में आपको इस एरिया में दर्द आने लगता है जो गॉल ब्लैडर के पेन से कंफ्यूज होता है। नंबर फोर्थ पर आता है हर्पीस जॉस्टर, जो यहां पर स्किन के ऊपर छोटे 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 ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। इसमें इतना सीवियर पेन होता है जो वास्तव में कभी कभी गॉल ब्लैडर के पेन से कंफ्यूज होता है। कभी आपकी जो पसली है इसमें कुछ इंफ्लेमेशन हो जाता है जिसे कहते हैं कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस। अगर आपको कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस होगी तो भी जो पेन है वो काफी सीवियर होगा। कभी गॉल ब्लैडर का जो पेन है और किन्हीं चीजों से भी कंफ्यूज होता है उनको ध्यान से देखिए। अगर आपको पेप्टिक अल्सर है, चाहे वो गैस्ट्रिक अल्सर हो चाहे ड्यूनल अल्सर हो, उसका पेन कभी कभी गॉल ब्लैडर के पेन से कंफ्यूज होता है। अगर आपको खाने की थैली में इन्फ्लेमेशन है जिसे कहते हैं गैस्ट्राइटिस, अगर गैस्ट्राइटिस है तो उसमें भी जो प्रॉब्लम है वो कभी कभी गॉल ब्लैडर से कंफ्यूज होती है। ऐसे ही कभी कभार अगर आपको GERD है, दैट इज गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसमें एसिड ऊपर की तरफ आता है तो इसमें यहां पर इतना दर्द होता है कि कभी कभी गॉल ब्लैडर के पेन से वो कंफ्यूज होने लगता है। बट इन द मिडिल ऑफ द नाइट जो सबसे जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम है जो आपको कंफ्यूज करती है और आपको हॉस्पिटल पर दौड़ने के लिए मजबूर करती है, दैट इज एंजाइना। कभी हार्ट का जो दर्द है वास्तव में मिड चेस्ट में आ जाता है, इन वो वैसा बिहेव करता है जैसा गॉल ब्लैडर का पेन है, या गॉल ब्लैडर का पेन कभी कभी मिड इसमें आता है, मिड चेस्ट में आता है तो वैसा बिहेव करता है जैसे ये हार्ट का पेन है। तो चाहे वो एंजाइना का पेन हो, चाहे एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम हो, चाहे वो मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो, ये जो तीनों चीजें हैं ये वास्तव में गॉल ब्लैडर के पेन से कंफ्यूज होती हैं। नाउ लुक एट द ट्रीटमेंट कि अगर आपको गॉल ब्लैडर में पेन है और ये डिटेक्ट हुआ कि आपकी जो प्रॉब्लम है वास्तव में स्टोन डिजीज के चलते है, देन व्हाट डू वी हैव द ऑप्शंस। नाउ जहां तक ट्रीटमेंट का सवाल है, ये बात बिल्कुल सही है कि इस पर डिपेंड करता है कि आपका जो गॉल ब्लैडर में पेन आया उसके पीछे अंडरलाइंग रीजन क्या था। इसके पहले वीडियो में हमने बात की कि गॉल ब्लैडर के पेन के क्या डिफरेंट कारण हो सकते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं चाहूंगा कि आप उसको विजिट करें एंड उसको एक बार देखें। तो जो ट्रीटमेंट है इज एंटायरली डिपेंडेंट अपॉन कि क्या इसके कारण हो सकते हैं। नाउ जहां तक गॉल ब्लैडर स्टोन का सवाल है, ये एकदम कभी कभी साइलेंट पड़े होते हैं, दे आर नोन एज एसिम्प्टोमेटिक गॉल स्टोन्स। अगर आपका गॉल स्टोन्स एसिम्प्टोमेटिक है तो साइंस कहती है कि इस पर सिर्फ वेट एंड वॉच पॉलिसी इज रिक्वायर्ड। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट वेट कि आपको दर्द आता है कि नहीं आता है, वॉच के कहीं आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं डेवलप होते हैं। लेकिन जहां तक नॉर्दर्न इंडिया है, ये इशू थोड़ा सा डिबेटेबल है। जो नॉर्दर्न इंडिया है इसमें इंसिडेंस ऑफ गॉल ब्लैडर कैंसर ज्यादा है। इन एक ग्रुप है ऑफ द साइंटिस्ट वो बिलीव कि पॉसिबली इट इज द गॉल ब्लैडर स्टोन जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन्फ्लेमेटरी चेंज करके गॉल ब्लैडर में स्टोन बनाने की ताकत रखता है। इसलिए अगर आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो शायद उसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए एंड ऑपरेट किया जाना चाहिए। नाउ अगर आपको दर्द आता है तेज, आपको बिलियरी कॉलिक आया, अनबियरेबल पेन आया, तो वास्तव में इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़े एंड दैट टू इन द मिडिल ऑफ द नाइट। अगर आप जाते हैं और आपको पेन सीवियर है तो वास्तव में आपको इंजेक्टेबल पेन किलर चाहिए। इंजेक्टेबल पेन किलर दो श्रेणी में आते हैं, एक आते हैं नॉन सेडेटिव जिन्हें कहते हैं NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स, उनके इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी, जैसे वोबरान है, डाइक्लोफेनेक है, डायनापार है, जिसमें डाइक्लोफेनेक होता है, इसके इंजेक्शन से वास्तव में पेन के खत्म होने की संभावना काफी है। लेकिन कभी कभी पेन इतना तेज होता है कि NSAID से जाता नहीं है, इन आपको ओपियाइड की जरूरत पड़ती है जो वास्तव में पेन को भी रिलीव करती हैं, आपको थोड़ा सा नींद भी दिलाती हैं। इसमें आती है पेंटाजोसिन या फोर्टविन, या इसमें आता है ट्रामाजेसिक, दैट इज ट्रामेडॉल। तो इस तरह के जो इंजेक्शन से इनकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर एक ऐसा लगता है कि इसके साथ इन्फेक्शन है तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको एंटीबायोटिक का भी रिक्वायरमेंट आए। लेकिन जहां तक परमानेंट सोल्यूशन का सवाल है कि अगर आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो जो परमानेंट सोल्यूशन है वो हमेशा ऑपरेशन से आता है, परमानेंट सोल्यूशन हमेशा सर्जरी से आता है, परमानेंट सोल्यूशन हमेशा गॉल ब्लैडर को निकालने से आता है। तो सर्जिकल प्रोसीजर क्या होगी? सर्जिकल जो प्रोसीजर्स हैं वो दो होंगी, या ओपन कोलिसिस्टेक्टमी की जा सकती है जिसमें आपको यहां से छोटा सा चीरा लगाया जाएगा एंड आपका गॉल ब्लैडर पूरा का पूरा निकाल के अलग किया जाएगा, या आपको लेप्रोस्कोपी होगी जिसमें की होल सर्जरी, जिसमें यहां चार होल क्रिएट किए जाएंगे, उनके जरिए से आपका जो गॉल ब्लैडर है उसको बाहर निकाल के अलग किया जाएगा। आपको एक चीज को समझने की है कि गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन है
तो जब भी सर्जरी होती है तो पूरा गाल ब्लैडर ही निकाल दिया जाता है, इसलिए कि गाल ब्लैडर स्टोन तभी डेवलप होते हैं जब साइंस ऐसा मानती है कि गाल ब्लैडर ने काम करना बंद कर दिया, इसकी फंक्शनिंग पुअर है। तो इसलिए जब भी गाल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेशन होगा तो स्टोन नहीं निकाले जाएंगे, पूरा गाल ब्लैडर ही निकाल के अलग कर दिया जाता है। अगर आपकी बाइल डक्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो आपको ईआरसीपी की जरूरत पड़ेगी। यह वास्तव में एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है, जिसे कहते हैं एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपैनक्रियाटिकोग्राफी। अगर आपकी बाइल डक्ट में स्टोन है, बाइल डक्ट में ब्लॉक है, बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ईआरसीपी की विधि के द्वारा उसको वास्तव में अलग किया जा सकता है। नो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स, मैं चाहूंगा कि इस पर भी आप ध्यान दें कि गाल ब्लैडर की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे बचने के लिए वास्तव में आपको क्या करना चाहिए। आपको अपने खाने में देखिए अच्छी मात्रा में वेजिटेबल लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, एंड आपको लो फैट डेयरी को यूज करने की जरूरत है। जो हम होल ग्रेन्स यूज करते हैं, जो सब्जियां लेग्यूम्स यूज करते हैं, ये आपको हेल्प करते हैं। जो भी चीज कोलेस्ट्रॉल को नीचे रखेगी, फाइबर की मात्रा को बढ़ाएगी, वो गाल ब्लैडर की प्रॉब्लम्स को नीचे करके रखेगी। आपको अपना वेट कंट्रोल करने की जरूरत है, बिकॉज गाल ब्लैडर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स ओबेसिटी से जुड़ी हुई हैं। अगर आप ओबीस हैं तो रैपिडली वेट लॉस मत करिए। ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप ओवरवेट हैं, आपने सडनली अपना वेट कम किया, तो गाल ब्लैडर स्टोन डेवलप होने की जो संभावना है वो हमेशा बढ़ जाएगी। अगर आपकी जो डाइट है उसमें सैचुरेटेड फैट्स ज्यादा हैं, ये कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट को बढ़ाएंगे। अगर कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट को बढ़ाएंगे तो गाल ब्लैडर स्टोन बनने का जो खतरा है वो हमेशा ज्यादा होगा। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग मेडिसिन ले रहे हैं या आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। ये दोनों जो चीजें हैं, ये गाल ब्लैडर का स्टोन है उसको बनाने की ताकत रखती हैं एट द एंड। लेकिन अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है गाल ब्लैडर प्रॉब्लम की, अगर आपको ओबेसिटी है, एंड आप फीमेल सेक्स है, ये तीनों चीजें हैं, तो शायद आपको अपने डॉक्टर को पीरियोडिकली विजिट करने की जरूरत है, एंड आपको अपने गाल ब्लैडर को बीच बीच में चेक कराने की जरूरत है। बिकॉज गाल ब्लैडर की जो प्रॉब्लम्स हैं बहुत साइलेंटली दबे पांव धीरे धीरे आती हैं, एंड आपको लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में डाल सकती हैं। इसलिए अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपको थोड़ी सी ओबेसिटी है, इन आप फीमेल सेक्स हैं, तो आपको वास्तव में पीरियडिकली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, इन बीच बीच में गाल ब्लैडर को चेक कराते रहना चाहिए, सो दैट यू डू नॉट लैंड इन एनी सीरियस ट्रबल। अगर आप समझते हैं कि गाल ब्लैडर की प्रॉब्लम्स की डायग्नोसिस, उसके ट्रीटमेंट, उसको समझने में यह वीडियो आपको मदद करता है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। थैंक यू वेरी मच।